अमदावाद बाद वात राजकोट नी करिए। राजकोट नी अंदर पण भगवान जगन्नाथ नी रथयात्रा निकले छे, त्यां पण हर्ष उल्लास साथे ते दर वर्षे योजाती आ रथयात्रा छे, तेनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। राजकोटमां पण कोविड गाइडलाइन साथे आ वखते रथयात्रा काढवामां आवी हती। राजकोटमां कोविड गाइडलाइन साथे 14मी रथयात्रा योजाई। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र अने बहन सुभद्रा साथे नगरचर्याए निकळ्या हता। जो के कोरोना महामारीने कारणे आ वर्षे राजकोटमां रथयात्रानो रूट टूंकावी देवामां आव्यो हतो। रथयात्राने लईने પોલીસ તંત્ર પણ સજાગ હતું। રાજકોટમાં નીકળશે ભગવાન જગન્નાથની 14મી યાત્રા, કે જ્યાં ખાસ વાત કરીએ તો આજે લિમિટેશન સાથે ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા નીકળવાની છે। ખાસ આપણી સાથે મહંત છે, એમની સાથે વાત કરીશું। મહંતજી, ક્યા કહેંગે આજ 14મી જગન્નાથ યાત્રા નીકળ રહી હૈ રાજકોટ સે, કિસ પ્રકાર કી વ્યવસ્થા હૈ? આજ જગન્નાથજીની રથયાત્રા યહાં સે નીકળી હૈ। बड़ा ही दिव्य आनंद और उत्साह है भक्तों के बीच में। और जो राज्य सरकार द्वारा जैसी व्यवस्था दी गई है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, रास्ते में कर्फ्यू है, 2 किलोमीटर के रूट पे 60 हमारे जो रथ यात्रा खींचने वाले खालसी रहेंगे, और फिर उनकी सब मास्क आदि, सैनिटाइजर आदि, कोरोना जाँच आदि कराए गए हैं, वो सब वही रहेंगे। भगवान जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना है कि प्रभु इस कोरोना की महामारी से मुक्त करें, आवते वर्ष में से और उत्साह भव आपका मने, और आप सभी भावी भक्तों के ऊपर दया और कृपा करें, उनके कष्टों का हरण करें। सुबह कितने बजे से विधि विधान चालू हो गए हैं? सुबह 5 बजे मंगला आरती हुई, श्रृंगार आरती, और इसके बाद 56 भोग ठाकुर जी को लगाया गया, फिर रस में प्रस्थान करेंगे भगवान। इसके बड़े दिव्य और आनंद से सभी भावी भक्तों को दया और कृपा करें। कब तक खत्म हो जाएगी रथ यात्रा? 11 बजे पूर्ण होगी रथ यात्रा। मंदिर परिसर में सभी भावी भक्तों को भगवान दर्शन देंगे, और ये बीच के दिन रात्रि तक रहेंगे मंदिर ठाकुर जी रथ में। तीज को 8 बजे गर्भगृह में भगवान प्रस्थान करेंगे। तो अपनी साथे महंत त्यागी मनमोहन दास जी के जो जणाव्यू के आज कही सकते कि सादाई थी उजवाई है रथ यात्रा, कारण के कोरोना महामारी वच्चे क्या क्या रोको लोगों ने જે કહી શકાય કે કોરોનાની મહામારીનો એક ભય પણ છે, અને સાથે સાથે જો વાત કરીએ તો તંત્રએ પણ એક ગાઈડલાઇન્સ જાહેર કરી છે, અને એ ગાઈડલાઇન્સનું પાલન અહીં કરવામાં આવે છે। ખબર પડશે રવિ ચાવડા સાથે ધ્રુવ કુંડલ રાજકોટ।